बतासे, अलग अलग नाम से इसको जानते हैं अलग अलग जगह। अदर्स मारो और गाइज ये रामदाना है। राम हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह सुबह उठे हैं, जस्ट अभी छत पे चले आए। ठंड लग रहा है हल्का हल्का, बड़ा अच्छा लग रहा है मौसम भी। अभी सूर्योदय हो ही रहा है, दिखा रहे हैं वहाँ का सीन भी आपको। ये सूर्योदय का सीन ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मम्मी भी आई हुई हैं छत पर, चावल लेकर चावल साफ़ कर रही हैं, धूप में चावल साफ़ कर रही हैं। नीचे ठंड लग रहा था इस समय सुबह सुबह, गांव में हल्का फुल्का ठंड लगने लगा है सुबह शाम टाइम। ये बालम खीरा है, इसे फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। साइज़ का काफ़ी बड़ा है, लोगों से सुनने में आया कि ये काफ़ी कठोर होता है। तो इसको कट करके देखते हैं, पता चल जाएगा कठोर होता है या नहीं। तो ये सिवा कट किया, बहुत ईजिली कट गया, ये कठोर नहीं होता है ज़्यादा। बट ये दवा में यूज होता है, जैसे किसी को गैस की प्रॉब्लम है तो उसमें काफ़ी ये यूजफुल होता है। काफ़ी महंगा भी मिलता है, ये लोग इसको ख़रीदते हैं। और सिवा इसको कट करके छोटा छोटा टुकड़ा कर रहा है, इसको धूप में डालना है कट करने के बाद सुखाने के लिए। तो गाइज आज हम लोगों के यहाँ फुल्की बन रही है बतासे, अलग अलग नाम से इसको जानते हैं अलग अलग जगह। अभी छोला रेडी हो रहा है, खाते हैं फिर इसका टेस्ट बताते हैं आपको कैसा है। तो गाइज छोला स्टार्ट हो गया बनना, बनने के बाद दिखाते हैं इसको आपको। छोला भी बन के रेडी हो गया है, देखने में अच्छा लग रहा है। तो गाइज दादी की तबीयत ख़राब है, डॉक्टर आए हुए हैं, ब्लड सैंपल ले रहे हैं, जांच कराने के बाद इनका इलाज करेंगे। और दादी बीपी की भी पेशेंट हैं, तो इनका बीपी अक्सर बढ़ता ही रहता है। तो डॉक्टर साहब आए हुए हैं तो जांच करवा लेते हैं बीपी इनका। बीपी भी बढ़ा ही होगा इनका, जांच करने के बाद कंफर्म हो जाएगा बढ़ा है या सही है। और ये मशीन है डॉक्टर साहब की, लाइट से चलती है इलेक्ट्रिक वाली। तो इनका बीपी आई थिंक बढ़ा हुआ ही है। बढ़ा हुआ है बीपी इनका, कंफर्म हो गया। और गाइस ये आदर्श धनुष बनाया हुआ है, खेल रहा है, रानी का टूट गया। आदर्श मारो, वहाँ पे गया हुआ है। और ये रानी का टूट गया, वो फिर से गई है दूसरा लाने के लिए। ट्रैक्टर आ रहा है, गांव गया हुआ था सुबह से ही आ रहा है। प्रेशर इसका गड़बड़ हो गया था, गया था बनने के लिए, बन गया फिर वापस आ रहा है। अभी गांव से होकर वापस आ रहा है, कुछ लदा हुआ है ट्रॉली पे। और प्रेशर उठा रहे हैं इसका ट्रॉली अनलोड करने के लिए, देखते हैं इस बार प्रेशर सही काम करता है कि नहीं। इसके पहले परेशान किया था बहुत ज़्यादा, गांव में गए थे फिर प्रेशर ही नहीं काम कर रहा था, वहाँ से फिर ट्रॉली ले जाना पड़ा दुकान पर। देखते हैं फिर कैसा काम कर रहा है इस बार। प्रेशर उठाने को तो प्रेशर ठीक ही उठा रहा है, बट प्रॉब्लम प्रेशर उठाने में नहीं था, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करता था। बट प्रेशर गिराने में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, वो फंस जाता था, नीचे आता ही नहीं था। ट्रॉली अनलोड हो गई, थोड़ा बहुत कहीं फंसा हुआ है तो रानी चिल्ला रही है कि अभी नहीं गिरा, अभी नहीं गिरा, ये थोड़ा सा फंसा हुआ है। तो गाइज यही प्रॉब्लम है प्रेशर में, यहीं पर आके रुक जाता है, इतने पे ऊपर जाने के ऊपर चला जाएगा बट नीचे नहीं आएगा। पहले भी यही प्रॉब्लम हुआ था। ये जेसीबी का प्रेशर है, 25 टन इसकी कैपेसिटी है उठाने की, बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है पता नहीं क्यों। अब इतने पे ही इसको दुकान पे लेके जाना पड़ेगा, ऐसे ट्रॉली उठी रहेगी। पहले भी ऐसे ही लेके गए थे, लोग देख रहे थे इसको कि ये क्या हो गया, इसको ऐसे क्यों ले जा रहा है। तो ऐसे ले जाएंगे इसको फिर से। और ये ट्रॉली धुल रहे हैं पापा, अब जाएगी ट्रॉली तो पेंट भी हो जाएगी उसी टाइम, तो और अच्छी लगने लगेगी। और चाचा पानी दे रहे हैं ट्रॉली धुलने के लिए। मनीष और शिवा गए थे मौसी के यहाँ, वापस आ गए दोनों भी। दोपहर में गए थे ये दोनों, अभी शाम के टाइम वापस आ रहे हैं। और आदर्श दिवाली बीतने के बाद हैप्पी दिवाली बोल रहा है। वो लोग बाइक पर भी कुछ लिए हैं, आई थिंक वो गेहूँ ले गए थे छत पर पिसाने के लिए, वही है। शिवा आप सभी से हाय कर रहा है। और छत पर आ गए दोनों, सॉन्ग सुन रहे हैं वो लोग। और इधर साइड पूरा धुआं धुआं है,
और ये रिंसू एंड प्रियांशु दोनों बहन हैं, फोन चला रहे हैं ये लोग, कुछ देख रहे हैं फोन में अपना। और ये हाय कर रहे हैं आप सभी से। इधर रानी और आदर्श दोनों शिवा के साथ खेल रहे हैं, इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, कहीं लग न जाए, प्रॉब्लम भी हो सकता है। खेल रहे हैं लोग। ये पूरा धुआं इकट्ठा हुआ है, शाम के टाइम चूल्हे पे जो खाना बनता है उसी का धुआं जो उठता है, ये वही है, पूरा इकट्ठा हुआ है, धुआं धुआं लग रहा है। और गाइस ये रामदाना है, रामदाना बन रहा है, कल जाना है सिस्टर के यहाँ, तो साथ में ले जाएंगे इसको सिस्टर के लिए। रामदाना ढरा गया है, ये वाला हम किए हैं और ये वाला जितना है मम्मी की है, और एक बना रही हैं, ये वाला हमारा है। कमेंट में बताना आप लोग सबसे अच्छा कौन सा है। आई थिंक सबसे बेस्ट यही वाला लग रहा है, मेरा वाला। इतना बचा हुआ था, मम्मी इसको गोल बना दे रही हैं, इसको हम लोग अभी खा लेंगे, बाकी कल ही चलेंगे सिस्टर के लिए। इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।